तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि भाई मुझे पीएम सूर्य घर से सोलर पैनल लगवाना है, लेकिन मेरी बिजली का कनेक्शन पे 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, 4 किलोवाट है, तो हम कितने किलोवाट तक या कैसे हम अपने सैमसंग लोड से ज़्यादा सोलर पैनल लगवा सकते हैं कि, और ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम अपने सैमसंग लोड से कम का सोलर पैनल लगवा सकते हैं, नहीं लगवा सकते हैं। तो इस वीडियो में सारी जो है आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखना। सबसे पहले एक सबसे कॉमन डाउट की बात कर लेता हूँ कि मोस्टली लोगों का 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन है, तो वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 1 किलोवाट का है तो क्या मैं 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा सकता हूँ, 4 का या 10 का लगवा सकता हूँ, नहीं लगवा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं उसको क्लियर कर दूँ कि भाई जितना किलोवाट का आपका सैमसंग लोड होगा, मतलब आप बिजली का बिल अपना उठाइए, जो भी उस पर स्वीकृत भार होगा, मतलब सैमसंग लोड जो भी होगा, जितने किलोवाट का आपका कनेक्शन होगा, आप उतने किलोवाट का ही जो है सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर आपका बिजली कनेक्शन 1 किलोवाट का है और आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है अपने बिजली घर से अपना लोड बढ़वाना पड़ेगा, मतलब आपका 1 किलो का बिजली कनेक्शन 3 किलो का कनेक्शन करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर फिजिबिलिटी अप्रूवल के लिए आप अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लगवा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको अगर ज़्यादा किलोवाट का लगवाना है सोलर पैनल, तो आपको जो है अपना बिजली का भार स्वीकृत लोड जो होता है, सैमसंग लोड होता है, उसको जो है बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। फिर बात आती है सब्सिडी की, भाई सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 ही मिलेगी, मतलब अगर आप 1 किलोवाट का जो है सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 30,000 मिलेगी, 2 किलोवाट का लगवाते हैं तो आपको 60,000 मिलेगी, 3 किलोवाट का लगवाते हैं तो आपको मिलेगी 78,000 यानी 78,000 मिलेगी, और अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो 30,000 गवर्नमेंट जो है आपको अलग से देगा, मतलब अगर 1 किलोवाट का लगवाएंगे तो आपको यूपी के रहने वालों को 60,000 मिलेगा, और अगर आप 2 किलोवाट का लगवाते हैं तो यूपी में रहने वालों को जो है 90,000 रुपये मिलेगा, अगर आप जो है 3 किलोवाट का लगवाते हैं तो आपको 78,000 प्लस 30,000 रुपये मिलेगा। ये सिर्फ यूपी वालों के लिए है, और सारे स्टेट में जो है डिफरेंट हो सकता है, तो उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट जो भी आपका बिजली घर हो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी डाउट्स ये निकल के आ रहे थे कि अपने सैमसंग लोड से ज़्यादा लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते, तो भाई बिल्कुल नहीं लगवा सकते, जितने का आपका सैमसंग लोड है आप उतना ही सोलर लगवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगवाना है तो आपको अपना भार बढ़ाना पड़ेगा, और मैक्सिमम सब्सिडी आपको 78,000 रुपये ही मिलेगी। स्टेट की सब्सिडी वेरी कर सकती है डिफरेंट स्टेट्स में, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाऊं तो मुझे ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी, नहीं भाई 3 किलोवाट तक ही सब्सिडी मिलेगी, मतलब आपको 78,000 रुपये ही सब्सिडी मिलेगी। आप 9 का लगवाइए, 10 का लगवाइए, वो उनकी दिक्कत नहीं है, वो मैक्सिमम 78,000 रुपये ही देंगे। तो आई होप आप सभी के डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ भी डाउट है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट बचा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।